दोस्तों जितनी बार मैं सोचता हूँ कि ये जियो जैसे बेकार की कंपनी के बारे में वीडियो नहीं बनाऊं, फिर भी ये जियो बार बार कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। और एक नया हरकत है अभी जियो करा है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जियो का बैंड बजाना शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सम टिप्स एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। So, जो लोग मैंने सब्सक्राइब करे कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था कि मैंने बोला था कि जियो टू अदर सिम में अगर कॉल कर रहा है लोकल स्टडी कुछ भी हो तो 45 मिनट के बाद वॉइस कॉल कट हो जा रहा था, लेकिन जियो टू जियो नहीं हो रहा था। तो उसी को नेटवर्क में जो टावर है इंटरनेट स्पीड है वो तो बहुत ही खराब है, लेकिन जियो का और एक हरकत है सामने आ गया है कि कभी जियो से अगर बाहर कोई कॉल करता है या फिर कोई भी नंबर से जियो से कहीं जगह पे जियो नॉन जियो किसी में भी आप कॉल कीजिए तो वो क्या होते हैं वो 25 सेकंड के बाद रिंग होना बंद हो जाते। जी हाँ आपने सही सुना है, ऐसे 25 सेकंड वो रिंग होंगे फिर उसके बाद बंद हो जाएंगे। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं कॉलिंग रिंग यानी कि कॉल करने का रिंग होंगे या कॉलर टोन सुनेंगे वो 45 सेकंड का है। तो जियो ने सभी को 25 सेकंड कर दिया है, तो मैं अभी इसको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये नॉन जियो सिम है, यहाँ पर एयरटेल है। तो इस एयरटेल से मैंने जियो को एक टेस्ट जियो सिम है उसमें मैं कॉल करूंगा और आपको यहाँ पे सेकंड काउंट करके स्टॉप वॉच में ऊपर दिखाने वाला हूँ कि 25 सेकंड के बाद रिंग होना बंद हो जाएंगे जब किसी जियो से इस नॉन जियो पे कॉल आएंगे। लेकिन जब मैं इस एयरटेल को यूज करके जियो सिम में कॉल करूंगा लेकिन ये एयरटेल वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, 45 सेकंड तक रिंग होंगे। ये बहुत दिन पहले से ट्राई ने मतलब एक साथ सबने मिलके डिसीजन लिया था बहुत दिन पहले जब जियो पैदा ही नहीं हुआ था कि 45 सेकंड रिंग होंगे फिर उसके बाद कट हो जाएंगे, लेकिन ये जियो आके कुछ भी कर रहा है, पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री का मां बहन करके रखा है ये जियो और अभी ये सब कर रहा है। तो चलिए प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर है टेस्ट जियो सिम, तो चलिए मैं कॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ और इस कॉल के साथ साथ मैं यहाँ पर जो रिंग होंगे वो भी आपको सुनने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप लोगों ने आपके साथ मैंने करके दिखा हूँ कि एयरटेल टू जियो जब कॉल कर रहा हूँ तब ये 45 सेकंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जब जियो से मैं कॉल करूंगा तब ये प्रॉब्लम। इसके पीछे जियो का क्या लॉजिक है आपको बहुत ही साइंटिफिक वे से आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब इस एयरटेल को छोड़कर मैं जियो से इसी एयरटेल पे कॉल करने वाला हूँ। सो वो रिवर्स कॉल आपको करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं इसको रिसेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया और मैं जियो से यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। सो एज सुन एज नोटिफिकेशन आएंगे मैं इसका टाइम स्टार्ट करूंगा। तो चलिए यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए रिंग हो रहा है। तो आपके सामने देखा ये 25 सेकंड पे ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए आप लोग अगर सोच रहे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, जियो वालों तो ऐसे ही बोलेंगे शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में हाई कैपेसिटी यूजेज है, ये सब उन लोगों का नौटंकी तो है। तो चलिए ठीक है मैं दोबारा करके आपको सामने दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मैं फिर से अभी डायल करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया है।
যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন তিনি এখন Again the same thing here. You can see. तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए 24 या 40 यानी कि 25 सेकंड पे ये डिस्कनेक्ट हो गए, बार बार ही हो रहा है 25 सेकंड पे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होंगे कि जब कोई कंपनी में आप फोन करते हैं और ये फोन हो जाने के बाद आप कोई पिकअप नहीं करते तो उसी कंपनी का एक्टिव में मतलब जे जो डायरेक्ट नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट पिकिंग अप कॉल ऐसे बोल के मतलब उसका आइडिया नंबर उस कंपनी का ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, कॉपीराइट मतलब उसी कंपनी का नाम कहने के आते हैं। या फिर अब अगर आप किसी रोज का एक लोग नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पता ही चलेंगे कि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये किसके एंड से आ रहा है। तो ये जो जियो का ट्यून है जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हो कॉल नहीं उठा रहा है ये जियो का आवाज आ रहा है, जबकि जियो का आवाज नहीं आना चाहिए। जब आप एयरटेल पे कॉल कर रहे हैं तब एयरटेल का जो रिकॉर्डेड ट्यून है वो आपको सुनना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्सफुली ये जियो आपका एयरटेल का कॉल एंड कर रहा है, जबकि एंड कॉल एयरटेल की तरफ से होना चाहिए कि कॉल नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जियो बोल के आ रहा है कि कॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे यही साबित हो गया कि कॉल एंड हो रहा है एयरटेल की तरफ से नहीं जियो की तरफ से। और तो और जब मैं एयरटेल से जियो में कॉल कर रहा हूँ तब तो उसी सेम वॉइस से जियो में कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको एक बार कॉल करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कौन बोल रहा है कि कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप फिर से एक बार कॉल कर रहा हूँ। इस बार मैंने कोई टाइम स्टॉपवॉच नहीं देखा, आप वीडियो को पॉज करके टाइम देख सकते कितना सेकंड हुआ है। तब ध्यान से सुना कि ये जो कॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला बोला है ये तीनों लैंग्वेज पे ये जियो उसका एंड से बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ आप जिसमें आउटगोइंग कर रहा है जिस नंबर पे रिंग हो रहा है उसी कंपनी से आपको बोलेंगे कि कॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वेयर एज जब आप एयरटेल पे कॉल कर रहे फ्रॉम जियो द जियो इज सेइंग कि कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। भाई तुम बोलने वाला है कौन, कॉल तो मैं कर रहा हूँ दूसरे ऑपरेटर, वो बोलेंगे कि कॉल रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे जियो बाय फोर्सफुली देयर एंड दे आर डिस्कनेक्टिंग द कॉल। और इस वीडियो के बनाने के चक्कर में मैं इस वीडियो का जो कॉल टोन बज रहा था उसको म्यूट करना या मतलब उसको हाइड करना भूल गए, पता नहीं कॉपीराइट आएंगे नहीं, लेकिन कुछ बात नहीं है कॉपीराइट आएंगे तो कुछ परवाह नहीं है। लेकिन सच को सबके सामने आना चाहिए कि जियो क्या कर रहा है। तो आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तो 25-45 सेकंड का मामला नहीं है, मामला बहुत कुछ है। क्या मामला है, जियो एंड जियो का एंड से कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है पहली बात। और दूसरी बात आप सोच रहे ये करके जियो बोलेंगे कि हम लोगों का सर्वर पे बहुत चाप हो रहा है, तो अगर मैं हम लोग 20 सेकंड जैसे मतलब एयरटेल का ऑलमोस्ट 50% टाइम पे रिंग हो रहा है तो अगर उस टाइम में हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सर्वर में बहुत सारा प्रेशर कम जाएंगे। अगर भाई तुम हम क्या कम पैसे दे रहे, हम तो पैसे दे रहे रिचार्ज कर रहे हैं, तो उसके तुम नया सर्वर बसाओ, उसके सर्वर से नया सर्वर इंक्लूड करो, उस जो सर्वर लोड होता है लोड बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जियो का कुछ नहीं करना है, जियो को सिर्फ लूटना है कस्टमर को, और अभी लूटने वाला जियो फाइबर पे ध्यान दिया है। और सेकेंड चीज जो साइंटिफिकली है आप ध्यान से सोचिए, तो सोचिए ये आप जियो से कॉल कर रहे हैं, ये आपका दोस्त है, ये एयरटेल पे है, जियो से आप कॉल किया, यहाँ पे 25 सेकंड रिंग हो रहा है, तो आप कॉल में होल्ड रहा है 25 सेकंड, आपका दोस्त पिकअप नहीं कर पाया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आप फोन रख दिया। तब दोस्त आया, अगर हो सकता है कि अगर 10 सेकंड और रिंग होता तो आपका दोस्त फोन को पिकअप कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे ठीक है भाई कॉल जब वो अवेलेबल होंगे आप खुद कॉल बैक कर लेंगे। यही सोच के जियो किया है कि खुद कॉल बैक कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एयरटेल वाला यूजर 25 मतलब एक मिनट के बाद देखा भाई मिस्ड कॉल है, फिर से कॉल बैक करेंगे। ये एयरटेल से जब कॉल बैक होंगे तब ये इनवर्ट कॉल होंगे, जी हाँ
तब ये जाके इन व्हाट कॉल होंगे और इन व्हाट कॉल में क्या होते हैं सबको पता है, ये इनकमिंग में होंगे। तो एयरटेल से जब जियो में कॉल हो रहा है तो एयरटेल जियो को एक पे करना पड़ेंगे नेटवर्क फीस जो होते हैं सेकंड में, उतना सेकंड क्या है आप ट्राई में जाकर सर्च करके देख लीजिए, मतलब एक मिनट में कुछ पैसे आपको पे करना होंगे। किसको पे करना होंगे? एयरटेल, क्योंकि जियो इनकमिंग एंड पे है। ऐसे ही अगर जियो से यहाँ पर कॉल आता तो जियो एयरटेल को पे करता, तो रिजर्वली वो कॉल जिसमें आउटगोइंग कॉल था, एक्चुअली आउटगोइंग कॉल था जियो पे, वो बन गया इनकमिंग कॉल क्योंकि वो मिस्ड कॉल में रह गया। तो मिस्ड कॉल से रिवर्ट बैक किया, ये होगा इनकमिंग कॉल। जियो का जो खुद का आउटगोइंग कॉल होना चाहिए उसका पूरा नेटवर्क का जो फीस होता है आउटगोइंग कॉल का वो नहीं देना पड़ा। ये बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही सोच समझ के जियो जो भी स्टेप ले रहा है बहुत ही सोच समझ के ले रहा है, और जियो इंडियन कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है, सोच रहा है कि वो खुद बेवकूफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, कस्टमर बेवकूफ नहीं है, कस्टमर को सब कुछ पता चलना चाहिए। ये वीडियो को सबके साथ आपको शेयर करना चाहिए, जियो जो चल रहा है ये आपको सबके साथ शेयर करना चाहिए, सबको जानना चाहिए। अगर हो सके तो जियो का पोर्ट आउट कर दीजिए, क्योंकि जियो में कुछ नहीं रहा है, पूरा बेकार कंपनी बन गया। ना इसका कोई कॉल है, कॉल 45 मिनट में कट हो रहा है, नेट का बैंड बज गया और ये सब 25 सेकंड ये हो रहा है, कस्टमर केयर कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, पूरा बेवकूफ बना रहा है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, सबको सच पता चलना चाहिए। और वीडियो में जाते जाते एक बार आपको बोल देता हूँ, प्यार मोहब्बत धोखा है, जियो क्या है।